हेलो एवरीवन, आलू की सिंपल कचौरियाँ तो हम खाते रहते हैं। आज मैं नई कचौरी लेके आई हूँ, एक ये आलू कचौरी न्यू स्टाइल में, कुरकुरे आलू कचौरी। ये रेगुलर कचौरी की तरह है, बस इसको मैंने बाहर से लेयर कर दिया है कॉर्नफ्लेक्स के साथ। कॉर्नफ्लेक्स मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कॉर्नफ्लेक्स को लिया और इसको अच्छे से क्रश कर लिया। आप चाहे तो किसी की चीज़ की हेल्प से इसको क्रश कर सकते हैं या अपने हाथों की हेल्प से भी इसको अच्छे से क्रश कर सकते हैं। मैंने दोनों हाथों की हेल्प से इसको क्रश कर लिया है। ये जल्दी क्रश हो जाता है, ये बहुत क्रिस्पी होता है, क्रश करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर मैं इसमें अपने डालूँगी कुछ बेसिक मसाले जैसे कि चाट मसाला एंड फिर डालूंगी मैं इसमें रेड चिली पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, जीरा मसाला और फिर इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फिर मैंने मैदा की स्लेरी बना के रखी हुई थी, मैदा और पानी है इसमें बस। फिर नॉर्मल रेगुलर जैसे कचौरी बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, उसको अच्छे से फैला लिया है। अब इसमें मैं अपना पोटैटो की स्टफिंग को स्टफ करूँगी अच्छे से, ध्यान रहे ये फूटने ना पाए। इसको अच्छे से रोल करके स्टफ़ कर देना है। मैंने तीनों अपनी स्टफिंग भर की कचौरियाँ तैयार कर कर रख ली हैं। एक बार फिर से रोल ऑन करेंगे और इनको थोड़ा सा स्टफ़ करेंगे। ये मेरी लास्ट है, मैं तीन ही बना रही हूँ। आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा बना लीजिए। आलू स्टफ़ किया, आप स्टफिंग चाहे तो कुछ भी फिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसमें। आप इसमें वेजीज स्टफ़ कर सकते हैं, चीज़ स्टफ़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्लोर के साथ ग्रीस करके रख दूंगी जिससे ये चिपकेंगे नहीं। मैंने थोड़ा सा आटा लिया, स्प्रिंकल किया और इनको रख दिया, वरना ये प्लेट में चिपकने का थोड़ा डर रहता है जिससे वो फूट जाते हैं। अब मैंने अपनी मैदा की स्लेरी ली एंड क्रस्ट कॉर्नफ्लेक्स लिया जिसमें मैंने मसाले मिक्स किए हुए थे। अब मैं अपनी एक एक करके लोइयाँ उठाऊंगी एंड इसको मैदा की स्लेरी में डुबो दूंगी। इसको पूरा डिप कर लेना है अच्छे से और देन फिर इसको निकाल कर हमें अपने कॉर्नफ्लेक्स में कोटिंग कर देनी है। इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम देना है जिससे कि कॉर्नफ्लेक्स इस पर अच्छे से चिपक जाए और ये क्रिस्पी फ्लेवर दें हमें। जहाँ भी खा लियो आप इसको अच्छे से कवर कर लें कॉर्नफ्लेक्स के साथ। और फिर एक एक करके हम इसको फ्राई कर देंगे और बाकी के भी हम इसको ऐसे ही कोटिंग करेंगे कॉर्नफ्लेक्स की। मैदा की स्लेरी में डिप करेंगे और फिर कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग कर देंगे और देन उसको भी फिर हम फ्राई कर देंगे। ये थोड़ा बहुत हमारा कॉर्नफ्लेक्स छूटेगा क्योंकि प्रॉपर नहीं चिपक पाता है, और जितना हो सके आप अच्छे से कोटिंग करिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नफ्लेक्स आपका इस पर कोट हो जाए आपकी कचौरी पर। जो रह गया था मैंने उसको, जगह रह गई थी उस पर और कॉर्नफ्लेक्स लिया और उसको कोट किया अच्छे से और मैंने तीनों अपनी कचौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी बनी है और इनको मैं फ्राई होने के बाद कलर जब इनका चेंज हो जाए इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे वन बाय वन करके।
बड़े ध्यान से, और कचौरियाँ बनी हैं तो चटनी भी बनाएंगे हम। अब इसमें इस साथ हम चटनी बनाएंगे एक यूनिक स्टाइल से। इसमें मैंने रेड चिली, गार्लिक, 2 टमेटोज को वॉश कर लिया अच्छे से, और देन इनको हम अपना पानी में बॉईल करेंगे। 1 कटोरी पानी के साथ 5 मिनट बॉईल के लिए रख देंगे। जब आपको लगे कि टमाटर गल चुका है, उसको फिर आप निकाल लेंगे एक प्लेट पे। गार्लिक, रेड चिली एंड टमाटो को, और इसका हम छिलके को पील अप करेंगे टमाटो के। टमाटो का सारा छिलका हम उतार लेंगे। टमाटो का छिलका उतारने से एक बेनिफिट होता है, जो हमारी चटनी होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी। इसको पील कर लेंगे छिलके को, स्मूथ आएगा, थोड़ा स्मूथनेस रहेगी चटनी में। ये काफ़ी गर्म था, आप ठंडा होने का वेट भी कर सकते हो। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म गर्म इसको छील सकते हो। फिर इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। मुझे बड़ा मिक्सी का जार मिला था, इसलिए मैंने बड़े मिक्सी जार में पीसी। फिर इसको हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसको फ्राई करेंगे, जो हमने चटनी पीसी थी। अब 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मुझे ऐड करना है टोमेटो केचप। टोमेटो केचप ऐड करूँगी मैं इसमें, एंड 1/2 एंड 1 लेमन। बीज मैंने बाद में निकाल दिया था। और फिर सॉल्ट एंड 1/2 स्पून शुगर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। इसका रेड कलर काफ़ी रेड था, मुझे कश्मीरी लाल मिर्च की नीड नहीं हुई। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप अपनी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और हम मेरी चटनी रेडी है विद क्रिस्पी कचौरियों के साथ। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे एंड हम सर्व करेंगे अपनी क्रिस्पी कुरकुरी कचौरियाँ, आलू कचौरी विद रेड चटनी। इंजॉय करिए, नई नई डिशेस बनाते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक्स यू।